अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ पूरियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हम दिवाली में बनाते हैं और बहुत सारे टाइम पे हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 kg आटा, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और घी ऐड कर दिया है। तो इसे हमें बेसिकली फर्स्ट इसका मोइन तैयार करेंगे, तो हमें इस तरह से इसे क्रम्बल कर लेना है घी के साथ, और साथ में हम पानी डालेंगे इसमें और पानी डाल के इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे को हमें अच्छी तरह से इसे गूंद लेना है, लेकिन आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, इसीलिए मैंने ये गूंद लिया और इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी डाला है और कुछ काजू और बादाम मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे घी में अच्छे से। जब इस तरह से ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में, और सेम जो घी है उसमें मैंने यहाँ पर कोकोनट पाउडर जो होता है उसे लिया है, उसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। जो हमने बचा हुआ घी था उसे मैं ऐड किया है, तो इसे भी मैं निकाल दूँगी। अभी यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है, इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, कोई ऑयल घी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। तो इसे भी मैंने हल्का सा भून लिया और निकाल दिया है। यहाँ मैंने 250 ग्राम मावा ले लिया है और इसे भी हम अच्छी तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इसमें हमें कुछ भी ऑयल और घी डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर दी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इलायची पाउडर डालने के बाद, और इसे भी हम निकाल के रख देंगे साइड में। यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट थे जिसे मैंने कट कर लिया है बारीक, और यहाँ पर जो मैंने कोकोनट को रोस्ट किया था उसमें मैंने मावा ड्राई फ्रूट सारा मिक्स कर लिया है अच्छे से। एक साथ हमें इसे मिक्स कर लेना है, इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में ये शुगर पाउडर है, इसे मैंने नॉर्मल मिक्सी में चला लिया था शुगर को, वो भी हम ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 50 ग्राम से 100 ग्राम के करीब शुगर ऐड किया है। साथ ही में मेरे पास यहाँ पर किशमिश है, वो भी मैंने ऐड किया है। शुगर आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो आटे को हमने रेस्ट करने रख दिया था, अभी मैं उसके इस तरह से बॉल्स बना दे रही हूँ। छोटे छोटे से हम इसके पेड़े बना देंगे और इसे अच्छी तरह से हम बेल लेंगे, जिस तरह हम रोटियों को बेलते हैं। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर कुछ मैंने रेडी कर लिया है, यहाँ पर मेरे पास एक ये करंजी वाला मोल्ड है, तो मैं इसका इस्तेमाल करके इसे बता रही हूँ। तो अगर आपके पास नहीं हो तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग इसमें ऐड कर दी, हमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग ऐड नहीं करनी है वरना हमारी जो पूरियाँ है वो खुल जाती है। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये अच्छी तरह से रेडी हो जाता है, और सारी इस तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं दूसरे मेथड से बता रही हूँ, ये सबसे इजी वाला मेथड है। इसे जस्ट आपको पूरियों के अंदर स्टफ़ कर देना है, और इस तरह से आपको जो जो किनारे है उसको अच्छी तरह से सील कर देना है, बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है फ्राइंग के लिए, तो ऑयल जब हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम हो, हॉट हो जाए तो तब आप इसमें पूरियों को ऐड कर दीजिएगा और इसे फ्राई कर लेंगे हम, लेकिन हम इसे मीडियम जो फ्लेम है उसी पर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसे टाइम लगता है, 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, और अच्छी तरह से करने के लिए आपको आप एकदम स्लो फ्लेम पे करोगे तो 10 मिनट्स लगेगा। तो इस तरह से आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए हमारी पूरी अच्छी तरह से रेडी हो गई है, और ये जो दूसरी पूरियाँ हैं जो मैंने डायरेक्टली बनाई थी, तो उसे भी मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है ऑयल में। उसी तरह से हम इसे फ्राई करते जाएंगे। खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ, तो हम वो बनाएंगे चावल की खीर, राइस खीर, राइस पुडिंग जो भी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून चावल, ये बासमती वाले टुकड़े हैं, इसे मैंने मिक्सर में ही किया है। तो आपके पास अगर टुकड़ा ना हो तो आप जो बासमती राइस जो रेगुलर हो उसे आप मिक्सी में चला लेना। तो इसे हम इसे वॉश कर लेंगे अभी अच्छे से, चावलों को धो के हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे साफ़ पानी में रख दिया है,
थोड़े टाइम के लिए हम इसे भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पे मैं अमूल का मिल्क ले रही हूँ, अमूल जो जो आता है, और ये 1 लीटर का पैक है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें हमारा जो चावल है उसे ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। यहाँ तक पकाना है हमें, तक कि हमारे चावल है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया एक बार, ताकि वो चिपके नहीं एक ही जगह पे रहने की वजह से। तो यहाँ पे देखिए चावल अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे हमारा, और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। और साइड में जो हमारी मलाई जो हमारी लग जाती है उसे भी निकालते रहेंगे, जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे वैसे वैसे इसे निकालते जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सैफ्रन ले लिया है, सैफ्रन के कुछ ही धागे मैंने इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रांग होती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इलायची ले लिया है, उसे भी मैंने ऐसे ही है इसमें ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैं 1/2 कप काजू और बादाम का पाउडर ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है, ये आपको डालना है तो आप डालिए वरना मत डालिएगा, स्किप कर लेना। इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 200 ग्राम कंडेंस मिल्क ले लिया है, उसे ऐड कर लेंगे और हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें 1/2 कप शुगर ऐड कर लेंगे, 5 टेबल स्पून, और उसे भी चला लेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा कंडेंस मिल्क को नहीं लिया है, 200 ग्राम ही लिया है, तो आप भी उतना डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, उसकी जगह मिल्क पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए हमारी खीर कितने अच्छे से गाढ़ी हो गई है, और जैसे कि मैंने बोला साइड से आप मलाई भी निकालते जाइएगा। तो यहाँ पर अभी हम एक पैन ले लिया है हमने, उसमें 1 टेबल स्पून हम घी ऐड कर देंगे, जो भी घी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे ऐड कर लेना। और यहाँ पर मैंने आलमंड्स लिए हैं, बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है, काजू लिया है, और इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा घी में भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, हम हल्का हल्का ही इसे भून लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़े से किशमिश भी ऐड कर दिए हैं, ये भी हम अच्छे से भून लेंगे। और अभी इसे हम बंद कर लेंगे। तो ये हमारी खीर देखिए बहुत अच्छी बन गई है, बहुत अच्छी लग रही है। तो अब इसमें सिर्फ कमी ड्राई फ्रूट्स की है, तो हम इसमें फ्राइड ड्राई फ्रूट जो हमारे पास है वो ऐड कर देंगे। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये टेस्ट आ जाता है क्रंची सा, तो बहुत अच्छा लगता है खीर में। तो ये हमारी खीर रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।